नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने मौर्य काल को संपन्न किया। मौर्य काल के पश्चात हमने जो सोंग काल की शुरुआत की थी, जिसके अनुसार जो पुष्यमित्र सोंग के द्वारा जो इस सोंग वंश की स्थापना की जाती है, इसके शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का हमने जिक्र किया, जिसके तहत हमने विदर्भ का युद्ध पढ़ा। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ जो यवनों का आक्रमण पड़ा, और उसके अलावा जो बात की जाए पुष्यमित्र सोंग के द्वारा जो किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो सोंग काल को समाप्त करेंगे, इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त हो पाती है। जैसे सोंग वंश है, इसके पश्चात अगला कौन वंश पढ़ेंगे हम, उसके बारे में भी हमें थोड़ी ही जानकारी प्राप्त होती है, जो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से अगर बात की जाए। पुष्यमित्र सोंग के द्वारा जो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके जो क्या कर दी जाती है, सोंग वंश की स्थापना कर दी जाती है, इसका सेनापति होता है। अब इसके बारे में, जो सोंग काल के बारे में अधिकतर हमें जो पुराणों के माध्यम से बात पता चलती है, हर्षरित के द्वारा जो बाणभट्ट द्वारा रचित है उससे भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो मालविका अग्निमित्र जो नाटक है कालिदास द्वारा रचित है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम बात करेंगे पुष्यमित्र सोंग के साम्राज्य के बारे में, यानी कि उसके राज्य के बारे में। उसका राज्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, अगर बात की जाए उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पुष्यमित्र सोंग, जैसा कि हमने देखा, 184 ईस्वी में जो वृद्धरथ की हत्या करके जो क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, और उसके द्वारा जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, जिसके तहत हमने देखा कि विदर्भ के शासक यज्ञसेन को भी ये पराजित करता है, उस क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। उसके अलावा यवनों को पराजित किया जाता है, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। मूलतः अगर इसके साम्राज्य को देखा जाए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये लगभग अगर देखा जाए, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि हम पूर्ण रूप से जो बात कही जा सके तथ्यात्मक, वो जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इसके राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। अगर इसके राज्य को देखा जाए, पुष्यमित्र सोंग के राज्य को, तो उत्तर में ये हिमालय के आसपास तक फैला हुआ था, और उत्तर से दक्षिण में जो बरार, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, ये जो मुस्लिम रियासतें रही है, तो यहाँ तक लगभग कर्नाटक इसके राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है, हिमालय से लेकर बरार में। और बात की जाए पूर्व में देखा जाए, तो पूर्व में मगध तक फैला हुआ था, और उसके अलावा पश्चिम में जो पंजाब तक इसके साम्राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके समय में घटित घटनाओं के माध्यम से ये बात जो उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक रही होगी। अब इसके साम्राज्य के बारे में जानकारी की अगर बात की जाए, तो जानकारी जो इसके शासनकाल से संबंधित स्रोतों से मिलती है, उन्हीं से इसके साम्राज्य के बारे में जानकारी, जिसमें मालविका अग्निमित्र भी एक स्रोत है, दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, तारानाथ जो बौद्ध तिब्बत बौद्ध यात्री है उसके द्वारा अपनी यात्रा का जो विवरण दिया गया, उससे हमें क्या मिलती है, पुष्यमित्र सोंग के साम्राज्य की सीमाओं के बारे में, यानी कि राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब पहली बात करते हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर इसके राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से इसकी सीमाओं के बारे में नहीं कहा जा सकता। इतिहासकारों के द्वारा जो अनुमान, एक आंकलन लगाया गया है कि इसकी सीमाएं लगभग यहाँ तक रही होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अब जैसे यवनों का युद्ध हुआ था, यवनों के युद्ध में हमने बात की थी कि पुष्यमित्र सोंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, उसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा गया था। अब उस घोड़े को छोड़ने के पश्चात हमने देखा कि ये घोड़ा सिंधु नदी तक चला जाता है, और वहाँ जो यवनों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और इस घोड़े की अगुवाई और जो नेतृत्व कर रहा था वो वशुमित्र था, जो पुष्यमित्र का क्या था, पौत्र था। तो इन्हीं के मध्य क्या होता है, यवनों के मध्य और सोंगों के मध्य जो युद्ध होता है, उसके आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस युद्ध में जो बात की जाए यवनों को पराजित किया जाता, तो संभवतः यहाँ तक सिंधु नदी तक क्या रही है, पंजाब तक जो इनकी सीमा रही है, पश्चिमोत्तर सीमा की बात की जाए, पश्चिम उत्तर सीमा जो सोंग राज्य की कहाँ तक मिलती है, हमें सिंधु नदी तक मिलती है, यानी कि पंजाब के क्षेत्र तक मिलती है।
इसके अलावा मिनांडर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल से संबंधित जो सिक्के मुद्राएं हमें प्राप्त होती है वो कहाँ होती है, मथुरा से प्राप्त होती है। अब इसके आधार पर कुछ इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि इसकी सीमा जो बात की जाए इसका राज्य मथुरा तक ही फैला हुआ था। मथुरा से आगे के क्षेत्र पर अधिकार किनका था, यवनों का। अब हो सकता है कि ये मुद्राएँ जो व्यापारिक आदान प्रदान के कारण मिली होगी, इन देशों के मध्य जो व्यापारिक आदान प्रदान रहा यवनों के जो पड़ोसी राज्य उस वजह से मिलेगी, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा यह भी अनुमान लगाया जाता है कि मथुरा तक की जो सुंग शासकों की क्या रही है, सीमा रही है, पूर्वी सीमा रही है। हालांकि दक्षिण भारत में बात की जाए तो दक्षिणी भारत में जो नर्मदा नदी तक संभवतः इनका क्या रहा है, साम्राज्य राज्य की सीमाएं रही है। दक्षिण नदी, दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा नदी तक इनका राज्य फैला हुआ था, विस्तृत हमें मिलता है। क्योंकि दक्षिण प्रांत में हमने देखा कि जो इसके शासनकाल से संबंधित जो अवंती है, अवंती का राज्यपाल कौन होता है, खुद इसका पुत्र ही तो होता है अग्निमित्र, किसका, पुष्यमित्र सुंग का पुत्र अग्निमित्र वहाँ का राज्यपाल होता है, प्रांतपति होता है। और उसके अलावा विदिशा प्रांत भी जो सुंग शासकों के अधीन था, तो संभवतः इनका साम्राज्य दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उसके अलावा राजधानी जो पाटलिपुत्र, इस पर अधिकार था, तो पाटलिपुत्र का क्षेत्र इनके अधीन था। और हमें जो अयोध्या लेख, अयोध्या लेख किसके द्वारा लिखा गया है, धनदेव के द्वारा। धनदेव कौन था, ये धनदेव, ये अयोध्या प्रांत का क्या था, प्रांतपति शासक राज्यपाल था, जो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। इसके द्वारा जो अयोध्या में एक अभिलेख लिखवाया गया था उसके माध्यम से ही हमें जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र के द्वारा दो बार करवाया गया। उसके अलावा इस अभिलेख से हमें ये बात भी जो पता चलती है कि अयोध्या पर किसका अधिकार था, अयोध्या का प्रांत भी किसके अधीन था, जो पुष्यमित्र सुंग के अधीन था। और उसके अलावा जो कौशल पे अधिकार की पुष्टि भी इसी के माध्यम से होती है, इस लेख से हमें पता चलता है कि कौशल पे अधिकार किसका था, पुष्यमित्र सुंग का। तो यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, इसके द्वारा जो बात की जाए पुष्यमित्र सुंग के द्वारा जो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया गया अनेक युद्धों के द्वारा, और इसका जो साम्राज्य काफ़ी बड़ा और विस्तृत हमें दिखाई देता है। तो ये पुष्यमित्र सुंग का क्या था, साम्राज्य। उसके अलावा पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारियों के पुराणों में हमें पता चलता है कि सुंग वंश के शासकों के द्वारा जो 112 वर्षों तक शासन किया गया। अब 112 वर्षों में जो कौन कौन से शासक हुए, अग्नि जो पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात कौन शासक बना सुंग वंश, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पुराणों के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और पुराणों में 10 राजाओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है। अब उनके बारे में बात करेंगे, ये 10 राजा कौन थे जो पुष्यमित्र सुंग के पश्चात सुंग वंश के क्या बनते, शासक बनते हैं, और सुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है। तो प्रथम शासक तो कौन होता है, पुष्यमित्र सिंह, और अंतिम शासक कौन होता है, देवभूत होता है। जैसा कि हम देखेंगे पुराणों के अनुसार प्रथम पुष्यमित्र सुंग होता है, और इसका लड़का फिर कौन होता है, अग्निमित्र होता है। अग्निमित्र के पश्चात वसु ज्येष्ठ शासक बनता है, और उसके पश्चात वसुमित्र, वसुमित्र कौन होता है, पुष्यमित्र सुंग का पौत्र होता है। और उसके अलावा जो आंद्रक का नाम मिलता है, पुलिंदक, पुलिंदक या पुलिंदक भी कहा जाता है इसे। और उसके अलावा जो घोष का, वज्रमित्र का, भाग का, और देवभूत जो क्या होता है, अंतिम जो सुंग शासक होता है। और इसके शासनकाल में हम देखेंगे किस तरीके से जो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा रचित है उसमें उल्लेख मिलता है कि देवभूत जो काफी कामुक, आमोद प्रमोद करने वाला, जो बात की जाए भोग विलास प्रवृत्ति का शासक था, और इसी के शासनकाल में जो देवभूत के शासनकाल में वसुदेव कुवन्व नाम का एक क्या होता है, व्यक्ति होता है, जिसके द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती, देवभूत की हत्या करके, और कुवन्व वंश की स्थापना कर दी जाती है। कौन से वंश की, कुवन्व वंश की। अब इसके भी मूलभूत 4 शासक होते हैं जिनका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने सुंग शासनकाल से संबंधित बात की जाए, पुष्यमित्र सुंग के साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि हमने देखा कि पुष्यमित्र सुंग जो सुंग वंश का संस्थापक होता है उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, उसके साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक हमें देखने को मिलती है, जो साहित्यिक विवरण है, ऐतिहासिक विवरण है, उसके आधार पर जो इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि पुष्यमित्र जो सुंग की साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक हमें देखने को मिलती है, उसके अलावा पुष्यमित्र सुंग के जो
पश्चात जो इसके उत्तराधिकारी कौन होते हैं। उसके राज्य की सीमाओं को लगभग देखा जाए तो मूलतः उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक फैली हुई थी और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में पंजाब तक उसके साम्राज्य का क्षेत्र जो एरिया हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यवनों से जो उसका युद्ध होता है उसके आधार पर जो सिंधु नदी को उसकी पश्चिमोत्तर की सीमा माना जा सकता है। उसके अलावा जो यवन मुद्रा जो मिली है मथुरा से उसके आधार पर इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः मथुरा तक जो यवनों का अधिकार था, क्योंकि तभी तो यहाँ से जो यवनों के द्वारा प्रचलित जो मुद्रा या सिक्काएँ मिल पाती है, तो उसके आधार पर जो मथुरा को इसके राज्य की सीमा माना गया, किसके पुष्यमित्र सुंग की राज्य की सीमा थी। उसके अलावा दक्षिण में इसका राज्य संभवतः नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। नर्मदा नदी इसकी दक्षिण राज्य की क्या थी, सीमा थी। अवंती का प्रदेश, विदिशा का प्रदेश इसके साम्राज्य का भाग था। उसके अलावा अयोध्या का प्रदेश भी इसके साम्राज्य का भाग था। कौशल क्षेत्र पे इसका अधिकार था और पाटलिपुत्र क्या होती है, इसकी राजधानी होती है। इसके अलावा जो पुराणों में हमें पुष्यमित्र सुंग यानी कि सुंग वंश के 10 राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है जो पुष्यमित्र सुंग से लेकर देवभूत तक होते हैं, जिसमें पुष्यमित्र है, अग्निमित्र है, वसुज्येष्ठ है, वसुमित्र है, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, व्रजमित्र, भाग और देवभूत के नाम का उल्लेख मिलता है। और अंतिम शासक जो सुंग वंश का कौन होता है, देवभूत होता है, जिसकी हत्या वासुदेव कुवन के द्वारा कर दी जाती है और उसके पश्चात कुवनव वंश की स्थापना कर दी जाती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम कल। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में, फिर भी आपके पास किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी कोई अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपकी राय या सुझाव हो वह भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।